हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय हिंद। अभी चल रहा है साफ सफाई अभियान, देख सकते हैं कि हमको साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, उसी तरह हम अपने कैंप को साफ सफाई पूरी अच्छी तरह से रखते हैं, जिससे कैंप देखने में सुंदर हो, अच्छा लगे। साफ सफाई रहेगा तो किसी पर कोई गंदगी नहीं रहेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा सांप ओप कुछ भी नहीं दिखेगा। इसीलिए आप भी जहीं भी रहें वहाँ साफ सफाई करें अच्छी तरह से, और अपने इलाके को, अपने घर को, अपने अगल बगल के जितने भी इलाके हैं उसको साफ सफाई रखें, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा मकोड़ा सांप पशु आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि साफ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और पेड़ पौधा लगाए हैं, देखिए हम बहुत सारे पेड़ पौधा भी लगाए हैं, इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि अभी बहुत से जगह पर पेड़ को काट कर वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिससे हमारे प्रकृति को बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसलिए हम अपने प्रकृति को किसी पर कोई नुकसान नहीं होने देते हैं, और देख सकते हैं पेड़ पौधे हम लगाते रहते हैं अपने कैंप में, इसलिए पेड़ पौधे लगाए और अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इसका भी घास काट देते हैं, साफ सफाई अभियान करना चाहिए जिससे कैंप सुरक्षित सुंदर दिखेगा। ठीक है, अच्छी तरह से साफ सफाई अभियान कर दो, यही मेरा ब्लॉग है। साफ सफाई नहीं करने से गंदगी हो जाता है बहुत जगह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। जय हिंद, जय भारत।